दोस्तों राशन कार्ड को लेकर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है लोगों को। जहां आपको पता होगा आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है उस बीमारी के चलते, उसी बीच आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र गवर्नमेंट ने गरीबों का ख्याल रखने के लिए राशन कार्ड पर एक योजना भी शुरू की है और इसके तहत अगले 3 महीनों के लिए घर के हर व्यक्ति को राशन कार्ड के अंदर जिन जिन का भी नाम है उस प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल हर महीने मुहैया कराने की एक नई योजना निकाली है, राइट। और ऐसे में अगर आपके घर में राशन कार्ड बना हुआ तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं आप अपने नजदीकी सरकारी राशन की दुकान से। और अगर आपका राशन कार्ड नहीं भी बना हुआ ना दोस्तों, तो आप अब घर बैठे ही ऑनलाइन भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं या सिंपली आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन राशन कार्ड से संबंधित कुछ खास जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने मिलने वाली है। छोटा सा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से जान लेते हैं अपन कि किस तरह से राशन कार्ड से संबंधित इन चीजों का आप फायदा ले सकते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कि 1 जून से ही तो केंद्र सरकार जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू करने जा रही है। उसमें क्या होगा दोस्तों कि देश में किसी भी राज्य में अगर आप रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, लेकिन आपके जो मूलतः गाँव या जिस पैतृक गाँव का राशन कार्ड है ना, उससे भी आपको देश में किसी भी जगह पर राशन की स्कीम का फायदा मिल जाएगा। यानी कि आप सीधे भाषा में बोले अगर तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद आप अपने राशन कार्ड से देश में कहीं से भी राशन खरीद सकते हैं सरकारी राशन की दुकान से, ठीक है। इस योजना में भी सरकार ने एक तो ही चीज स्पष्ट कर दी है कि नया राशन कार्ड बनवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड ही चलता रहेगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको गूगल में लिखना दोस्तों फूड डिपार्टमेंट और उसके बाद आपको अपने संबंधित राज्य का नाम लिखना, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जिस किसी भी राज्य में रहते हो वो आपका नाम लिखना और गूगल के अंदर ऑफिशियल जो वेब पोर्टल आएगा .gov.in करके, जैसे कि मैंने ये बिहार का लिखा तो bihar.gov.in sfc. उससे पहले वेब पोर्टल है, तो इस पे आपको क्लिक करने का रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप अपने राशन कार्ड से संबंधित तो सारी जानकारी देख ही सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जा सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो, जैसे यहाँ राजस्थान राज्य का भी देख सकते हैं आप, जिला वार भी राशन कार्ड की डिटेल देख सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिए हुए होते हैं ऑफिशियल वेब पोर्टल के ऊपर, कॉन्टेक्ट अस बटन भी होता है, यहाँ से आप अपने राज्य के फूड डिपार्टमेंट से संबंधित कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपको सरकार की जो अभी राशन की स्कीम है इनका फायदा लेना तो कैसे ले सकते हैं। अगर नया राशन कार्ड भी आपको बनवाना है तो भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन में ज्यादा वेब पोर्टल वगैरह में असमंजस में पढ़ते हैं तो। बाकी दोस्तों यूपी बिहार जैसे राज्यों में 1 जून से ये योजना भी लागू होने जा रही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसके साथ ही उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना को शुरू करने की तैयारी है। देश की राजधानी दिल्ली में ये योजना जून में शायद लागू हो ही जानी है, तो इस तरह की ये नई योजना है। और इसी बीच अभी जो देश में बीमारी का मसला चल रहा है इसको लेकर सरकार ने जो योजना निकाली है बीपीएल वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो इसका फायदा आप जरूर लें। आप अपने नजदीकी पंचायत समिति में जाकर के भी इसके बारे में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान स्टे होम, घर पर ही रहें, बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। राशन के लिए भी आप अपने प्रशासनिक नंबरों पर फोन कर सकते हैं और घर पर ही राशन भी मंगवा सकते हैं। तो देश में जो बीमारी का मसला चल रहा है 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है ही आपको पता है, तो उससे पहले आपको घर से बाहर नहीं आना। उसके बाद सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के क्या दिशा निर्देश आते हैं मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।